नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, आप सबको तो नोटिफिकेशन मिल गया होगा और आप सबको पता चल गया होगा कि इस बार रेलवे की बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है, यानी कि 62,907 वैकेंसी है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा अमाउंट है इस बार, क्योंकि ये रेलवे ने इस बार बहुत दिनों के बाद इस तरह का पोस्ट निकाला है, इतना बड़ा मात्रा में निकाला है। लेकिन लेकिन यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट है वो है ये कि आप कहाँ से अप्लाई करें। दोस्तों, कहाँ से अप्लाई करें कि ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहाँ पे कितना कट ऑफ गया था इससे पहले, ये सारी चीज़ें अगर आप जान लेते हैं तो आपके लिए आसान होगा, ये चीज़ अप्लाई करना आपके लिए आसान रहेगा। और ये जो 62,907 वैकेंसी हैं, ये आपको नॉर्थ रीजन, दिल्ली हो गया, साउथ ईस्टर्न रीजन, कोलकाता और भी सारे, भुवनेश्वर हो गए, इन सारे मिला करके रीजन्स को 62,907 किया गया है। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें समझ लेना ज़रूरी है कि पहले, इससे पहले कट ऑफ कितना गया था और इस बार कितना जाने का संभावना रहेगा। तो दो चार चीज़ों पे हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको आगे बढ़ाएं बात को, हम आपको दो तीन पॉइंट पे लेके चलते हैं। सबसे पहली बात कि ध्यान में रखिए कि नंबर ऑफ पोस्ट, पोस्ट की संख्या कितनी है। दूसरी बात कि वो है कि ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर्स का कट ऑफ कितना गया था। तीसरी बात, जॉब लोकेशन, अगर हो सकता है कि आप बिहार से हो, आपके लिए आपका घर बिहार में हो, तो आप आसानी के लिए बिहार में अप्लाई कर दीजिए कि हाँ यहाँ से सही पड़ेगा। लेकिन यह गलत है, ऐसे नहीं करना है। आपको ये देखना है कि इससे पहले आपका कट ऑफ किस रीज़न का कितना कट ऑफ गया था, उसके अनुसार अप्लाई करना है। तो ये सब चीज़ें समझ लेना ज़रूरी है। तो इससे पहले आप 2013 की अगर हम बात करें, तो 2013 में कोलकाता का जो था आरआरसी एसीआर कोलकाता ग्रुप डी का कट ऑफ, उसमें जनरल का आपको 72 गया था कट ऑफ, और ओबीसी का 66 गया था, एससी का आप देख सकते हैं 66 है, ऐसे ही एसटी का 54 है। तो इसको आप, मैं कंपैरिजन करूँगा आपको कोलकाता का और भी दो तीन जगह का, तो आप देख लीजिए यहाँ का कितना गया है। अब इसको मिला करके आप समझ सकते हैं। और दूसरी बात, आइए अब आगे दिखाते हैं आपको दिल्ली का। तो दिल्ली में देख सकते हैं कि कट ऑफ मार्क फॉर कॉलिंग कैंडिडेट ऑन प्रोविजनल बेसिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो पहली बार हुआ था उसमें 87 गया था आपको जनरल का, ओबीसी का 81 गया था, एससी का 77 गया था और एक सर्विसमैन का 30 गया था। और इसमें नीचे आके देखिए आप, कट ऑफ मार्क्स फॉर कॉलिंग कैंडिडेट ऑन प्रोविजनल बेसिस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पे हुआ था, इसमें जनरल का आपको 84 गया था, ओबीसी का 77 गया था, एससी का 73 गया था, ऐसे करके गया था आपको। ये दिल्ली का है, दिल्ली रीजन का आपको है। और यहाँ कट ऑफ मार्क्स फॉर कॉलिंग पीएच कैंडिडेट ऑन प्रोविजनल बेसिस, तो ये आपको, इसमें आपको पीएच ओएच का 84 है, फिर ये 39 है, ये 72 है। अब दोस्तों, अब बात करते हैं हम, इसका तो आपने देख लिया, अब कंपैरिजन करेंगे हम लोग बाद में, अभी देख लेते हैं इसका, देख लिया। अब आगे देखिए आप भुवनेश्वर का, हम दिखा देते हैं आपको भुवनेश्वर का कितना गया था। तो भुवनेश्वर का जो जनरल का कट ऑफ गया था वो 55 गया था, तो देख सकते हैं कि उन दोनों की अपेक्षा ये थोड़ा कम है, और 55 इसका है। ओबीसी का 51 है इसमें, और एससी का 43 है, एसटी का 38 है। तो ये सारे कट ऑफ्स हैं, कट ऑफ्स आप देख लीजिए। और देखने के बाद एक आप इसमें अगर हम देखें दिल्ली और कोलकाता का देखें अगर, तो इसमें आपको दिल्ली का मतलब कि कम है कोलकाता के मुकाबले। लेकिन लेकिन यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे अगर हम भुवनेश्वर की बात करें, तो भुवनेश्वर का आपका 55 गया है, जो कि इन सबसे कम है। तो आप देखिए कि कहाँ आपका सही पड़ रहा है, और सही देख करके तब अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये जो कट ऑफ मैं दिखा रहा हूँ इससे पहले 2013 में, जो इसके बाद आप सोच समझ के जहाँ पे सही पड़े वहाँ पे अप्लाई कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी अच्छी आई है। और ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ से अप्लाई करें, तो इन सब सारी बातों पर आप थोड़ा सा ध्यान से समझ के तब अप्लाई कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन क्लिक कर